हॉकी के महान खिलाड़ियों के उत्कृष्ट खेल प्रदर्शनों के कारण ही इसे भारत में राष्ट्रीय खेल की मान्यता मिली। भारत में प्रतिभावान खिलाड़ियों ने खेल के प्रति अपनी गहरी आस्था और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में खूब वाहवाही लूटी, किंतु फिर भी यह खेल राष्ट्रीय खेल होने के बावजूद भी युवाओं में ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो सका। इसलिए हॉकी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया और आज इसीलिए भारत में हॉकी को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं। सोलन में भी हिम गोल्ड हॉकी सोसाइटी सोलन के तत्वाधान में 6 दिवसीय राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश की जानी मानी 8 टीमें भाग ले रही है। हॉकी खिलाड़ियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मैदान ठीक नहीं होने के कारण खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पाते हैं। उन्होंने सरकार, प्रशासन व खेल विभाग से मांग की है कि उन्हें स्टेडियम मुहैया करवाया जाए और साथ में यह भी कहा कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, परंतु जब वह हिमाचल से बाहर जाते हैं तो उन्हें अच्छे मैच एस्ट्रोटर्फ पर ही खेलने पड़ते हैं, जिसका उन्हें अभ्यास ही नहीं होता। उनके पास खेल को निखारने के लिए एस्ट्रोटर्फ का कोई मैदान नहीं है, जिसकी वजह से वह हॉकी खेल में पिछड़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ वह हॉकी का अभ्यास करते हैं वह मैदान तो खेलने लायक ही नहीं है, जिस पर खेल के दौरान चोट लगने का भी भय बना रहता है। खिलाड़ियों ने सांसद अनुराग ठाकुर को भी गुहार लगाई है कि क्रिकेट के साथ साथ हॉकी को भी जीर्णोद्धार के लिए वह कोई कदम उठाए, नहीं तो उनका यह भविष्य यहीं पर खत्म होता नजर आ रहा है। मेरा नाम कमलदीप है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमाचल में एस्ट्रोटर्फ का अभाव है और हिमाचल में एक भी एस्ट्रोटर्फ नहीं है। शिलारू में एस्ट्रोटर्फ है, वो साई वालों की, वहाँ पे किसी को परमिशन नहीं है खेलने की। पहले ये वाला टूर्नामेंट ठोडो ग्राउंड में कराया जाता था, अब ये इस साल ये टूर्नामेंट नौणी में करवाए जा रहे हैं, जहाँ की ग्राउंड की हालत बिल्कुल खस्ता है और ग्राउंड की हालत खस्ता होने से काफ़ी अच्छी अच्छी टीमें इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पा रही है। और हिमाचल की हॉकी का तो वैसे ही कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ नहीं है। बार तो प्रोफेशनल प्लेयर हैं और उनके पास काफ़ी टर्फ है, हमारे पे यहाँ पे तो एक भी टर्फ नहीं है। और मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि हिमाचल को भी 1-2 टर्फ दी जाए। मेरा नाम नरेश कुमार है। हिमाचल प्रदेश में हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहीं भी नहीं है। जहाँ तक देखा जाए क्रिकेट में इतना पैसा लगा रहे हैं। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि जैसे कि आपने धर्मशाला में इंटरनेशनल लेवल IPL जैसे टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो हिमाचल में भी हिमाचल में टर्फ ही छे तो हिमाचल में भी PH जो अभी वर्ल्ड सीरीज हॉकी हुई तो हिमाचल से भी अच्छे अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं, जिस कारण हम कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कारण अगर यहाँ हिमाचल में एस्ट्रोटर्फ नहीं बिछ सकी तो हमारा बाहर खेलना नामुमकिन है और हमारा विषय यही खत्म होने वाला। जैसा कि अभी बात चली है शिमला में क्रिकेट स्टेडियम बनाने की, मैं अनुराग ठाकुर जी से यही गुजारिश करता हूं कि वह हिमाचल प्रदेश हॉकी के खिलाड़ियों के लिए भी कहीं ना कहीं टर्फ के मैदान की घोषणा करे। अभी मेरा नाम पुनीत शर्मा है और मैं मंडी का रहने वाला हूं। हिमाचल में हॉकी की हालत बहुत ही खस्ता है, क्योंकि हिमाचल में एक भी एस्ट्रोटर्फ नहीं है। सरकार को यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ बिछानी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर खेलने जाते हैं तो सारे टूर्नामेंट एस्ट्रोटर्फ पे ही होते हैं, पर हमें एस्ट्रोटर्फ पर इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, इसीलिए हम अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। अगर हिमाचल में कोई एस्ट्रोटर्फ बिछ जाए तो हम वहाँ पे प्रैक्टिस करके कुछ हिमाचल के लिए कर सकते हैं। और हिमाचल के ग्राउंडों की हालत ऐसे ही बहुत खस्ता है। यहाँ पे ग्राउंड बिल्कुल भी प्ले नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड उबड़ खाबड़ है। सरकार को यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ बिछानी चाहिए। सोलन में पहुंचे PNB टीम के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अभिजीत ने भी कहा कि हिमाचल के खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और सोलन में खेल के मैदान की हालत तो काफी खराब है, इसलिए हिमाचल सरकार को चाहिए कि मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगाएं, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़े। अभिजीत ने यह भी कहा कि एस्ट्रोटर्फ में खेलने से खिलाड़ी की तकनीक ही बदल जाती है और जिससे खिलाड़ी खेल का अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आज देश भर में जितनी भी ऊंचे दर्जे की स्पर्धाएं हो रही है वह एस्ट्रोटर्फ पर ही होती हैं। बिना एस्ट्रोटर्फ के नामी टीमें कहीं पे भी नहीं आना चाहती, इसलिए सोलन भी जानी मानी टीमों से हमेशा वंचित रहा है। जहां तक बात है हॉकी हमारा नेशनल गेम है और इस टाइम हम हिमाचल प्रदेश में सोलन में खेलने आए हुए, और यहाँ के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। यहाँ पर अगर अच्छे कोचेज, अच्छी फैसिलिटी मिले
तो यहाँ के बच्चे जितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, पिछली बार भी हम आए थे, देखे थे, बहुत अच्छे लड़के थे, इस बार देखे और प्रोग्रेस अच्छे, मतलब कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस इन्हें अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एक अच्छे एकेडमी की ज़रूरत है, एकेडमी में से एक हॉस्टल की ज़रूरत है जहाँ पे उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, जहाँ पे उन्हें हमेशा मोरल बूस्ट अप करने के लिए एक अच्छा कोच मिलना, ये सब चीज़ मायने रखता है एक टीम को बढ़ाने के लिए, प्लेयर को, बच्चों को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब तक आपको पीछे से सपोर्ट नहीं रहेगा, किसी बड़े प्लेयर्स का सपोर्ट नहीं रहेगा या अच्छे कोचेस का सपोर्ट नहीं रहेगा, कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी हिमाचल में सोलन में नोनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एस्ट्रोटर्फ लगाएंगे। नेक्स्ट टाइम मेरे को ज़्यादा बिलीव है कि अच्छी अच्छी टीमें आएंगी ऑल ओवर इंडिया में, जैसे हमारे जैसी टीमें, नामी गिरामी टीमें, वैसे जितनी बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं वो अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो अच्छे हॉकी देखेंगे, अच्छे प्लेयरों से मिलेंगे, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हिम गोल्ड अकादमी के सचिव वेद प्रकाश का कहना था कि वह खेल में राजनीति के आने से बहुत ज्यादा आहत है और यहाँ तक कि वह इस दुख में दुखी होकर इस हॉकी को बंद कर देना चाहते थे, परंतु अब नौनी विश्वविद्यालय में एस्ट्रोटर्फ के बारे में आश्वासन मिलने में उन्हें थोड़ा सा ढांढस बंधा है। सचिव ने कहा कि हॉकी अन्य खेलों में इसलिए पिछड़ गई है क्योंकि ना तो हिमाचल के स्कूल इस खेल में रुचि रखते हैं और न ही उनके अभिभावक, जिसके चलते हॉकी अकादमी को चलाने में भी अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परंतु अगर अकादमी को एस्ट्रोटर्फ जैसा मैदान मिल जाए तो यह खिलाड़ियों में हॉकी खेलने की प्रेरणा को फिर से एक जागृति प्रदान करेगा और साथ ही हॉकी को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सर, आज आपने दुख थी रग में हाथ छेड़ दिया, ऐसी बात बोले, मैं तो हॉकी बंद करना चाह रहा था। बड़ी बात यह सर कि हमारे हिमाचल प्रदेश में चाहे स्पोर्ट्स हॉस्टल हो चाहे प्राइवेट अकेडमी चलती, 70 मिनट के लिए सारी साल में हॉकी खेली जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई एक्सपोजर है ना ग्राउंड है। पर हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना हिम गोल्ड कप टूर्नामेंट सोसाइटी, कम से कम हम 4 लीग हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं जिससे कि हमें एक्सपोजर मिले। इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि नो कमेंट्स ही बोलूँ ठीक है, क्योंकि सरकार चाहे हिमाचल की हो चाहे भारत सरकार पूरा पैसा देती है, पर आगे हम उसको कैसे गेन करें, कैसे प्रस्यू करें, उसमें एसोसिएशन की भी कमियाँ हैं, कुछ कोचों की भी कमियाँ हैं। पर हम लोग जब तक जिंदा है हॉकी की सेवा करते रहेंगे।